वेलकम अगेन टू टीच योर सेल्फ मैथ्स। तो हम एक्सरसाइज 6.3 कंटिन्यू किए हुए हैं और अब तक हमने इसमें 9 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम मजीद कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हमारा जो 10th क्वेश्चन है, ठीक है, ये 10th क्वेश्चन मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। आप अपने टेक्स्ट बुक की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको मैं फिर यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज सीडी एंड जीएच पर रेस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एसीबी एंड एंगल ईजीएफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स एबी एंड एफई ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल ईएफजी रेस्पेक्टिवली। If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that. First part, second part and third part. ठीक है, ये हम बाद में लिखेंगे। Actually ये दो triangles हैं, ABC और FEG, दो triangles हैं। A, B, C है और दूसरा triangle जो है that is F. एफ ई जी, ठीक है। सीडी, जो सीडी और जीएच, देखो सी आपको इस ट्रायंगल में नजर आ रहा है, ठीक है, और जी जो है दैट इज इन दिस ट्रायंगल एफ ई जी। दो एंगल बाइसेक्टर्स डाले जाते हैं सी से और जी से, किन एंगल्स के, इस ट्रायंगल में जो एंगल ए सी बी है और इस एंगल, इस ट्रायंगल में जो एफ जी ई है, ये जो एंगल्स है सी डी, इसका एंगल बाइसेक्टर डाला जाता है सी डी, ये जो सी डी, सी डी यहां ये डी किसके साथ टच कर रहा है, किस साइड के साथ, ए बी, और जी एच ये एंगल बाइसेक्टर है इस एंगल का एफ जी ई, ठीक है, लेकिन जी एच जो है एच यहां पे टच कर रहा है एफ ई को, ठीक है। देखो सी डी एंड जी एच, सी डी एंड जी एच और रेस्पेक्टिवली द एंगल बाइसेक्टर्स, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं किस किस एंगल के, ए सी बी, ए सी बी, इस ट्रायंगल में सी डी ए सी बी एंगल का एंगल बाइसेक्टर है और इस ट्रायंगल में जी एच एफ जी ई का एंगल बाइसेक्टर है सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। देखो ये जो डी है ये किस साइड पे लाई कर रहा है, ए बी पे, ठीक है, और जो ये एच है इट लाइज ऑन द साइड एफ ई, ठीक है, ये इसका कहना है। अब और एक चीज है ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी एंड ईएफजी, इन दो ट्रायंगल्स में एबीसी और एफईजी, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, कंडीशन है, गिवन कंडीशन है, ट्रायंगल एबीसी जो है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफईजी, एफईजी जो जो दो ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर हैं, ठीक है। तो हमें दिखाना है फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिखाना है, सी डी डिवाइड बाय जी एच इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय एफ जी, सेकंड पार्ट है ए डी सी बी, ट्रायंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई, ठीक है, और थर्ड वन ट्रायंगल डी सी ए जो है इट इज सिमिलर टू एच जी एफ, ट्रायंगल एच जी एफ। देखो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, बड़ा आसान सा प्रूफ है इसका भी, ठीक है। ये जो गिवन कंडीशंस है, क्वेश्चन किसके बारे में है, इसका जो फिगर मैं यहां बना चुका हूं, ठीक है, इसमें जो गिवन कंडीशंस है वो मैंने आपको सब बता दी, ठीक है। तो प्रूफ, वी हैव
देखो एबीसी जो ट्रायंगल है इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफबीजी, इट इज गिवन। ठीक है, देखो इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, वी हैव ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ठीक है, क्यों? इट इज गिवन। ठीक है, इफ टू टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन दे आर इक्विएंगुलर, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इट इज इक्वल टू एंगल जी। एंगल जी क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग साइडस सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ओके हो गया। देखो नाउ, अब देखो नाउ सी डी जो है इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी ए सी बी। ठीक है, इसी तरीके से जो जी एच है इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ई जी एफ और एफ जी ई। ठीक है, ऑल्सो सी डी एंड जी एच और दे एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल एफ जी ई। ठीक है, तो हम देयर फोर अगर ये एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है, देयर फोर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री। ठीक है, इसका हमने नाम दिया है वन टू थ्री एंड फोर, देयर फोर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। क्या हम लिख सकते हैं ऐसा? हाँ, क्यों नहीं? देखो क्योंकि देखो ये जो एंगल है दिस एंगल सी एंड एंगल जी, ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो है ट्रायंगल इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी, तब इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हुए। अगर ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंगल सी एंगल जी के बराबर है, ठीक है, क्योंकि एंगल सी डी जो है इट इज द एंगल बाइसेक्टर एंड जी एच इट इज अगेन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, देयर फोर इनके जो हाफ एंगल्स ये एंगल वन ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, एंगल वन मस्ट बी इक्वल टू एंगल थ्री एंड एंगल टू मस्ट बी इक्वल टू एंगल फोर। क्यों? क्योंकि एंगल सी जो है और एंगल ई जी जो है दे आर इक्वल। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एफ ई जी, देयर फोर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री एंड एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर। ठीक है, देखो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम देते हैं क्योंकि आगे जाकर हमें बहुत काम आएगा। ठीक है, ओके देखो अब देखते हैं, देखो पहला पार्ट सी डी डिवाइड बाई जी एच इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई एफ जी। देखो बोलो ये सी डी दिए, अच्छा ये बताइए सी डी डिवाइड बाई जी एच जो है और ए सी डिवाइड बाई एफ जी किन ट्रायंगल्स में हमें मिल रहे हैं? ये हमें ए सी डी और एफ जी एच में मिल रहे हैं। ठीक है, तो हम इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल डी सी ए एंड एच जी एफ, नाउ इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, एच जी एफ मैं पहले थर्ड पार्ट प्रूव करने जा रहा हूं क्योंकि इस थर्ड पार्ट के प्रूफ से हमें फर्स्ट पार्ट मिलेगा। ठीक है, ओके
Now in triangle DCA, DCA and HGF we have. देखो इसमें क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ. क्यों? एंगल ए एंगल एफ के बराबर है. एक्चुअली जो एंगल ए है इट इज द एंगल ऑफ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी. एफ इज द एंगल ऑफ ट्रायंगल एफ ई जी. ठीक है, अब जो एंगल ए ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी. हम दिखा चुके हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, लेकिन एट द सेम टाइम दीज टू एंगल्स also represented the angles of these two triangles as well. ठीक है, ये जो angles A और F है ये इन दो triangles के भी angle हुए. ठीक है, तब इनमें भी ये same होंगी. ठीक है, angle A is equal to angle F, it is given. ठीक है, okay. Also angle 2 is equal to angle 4. Angle 2 is equal to angle 4. ठीक है, ये यहां पे हम दिखा चुके हैं अभी एक्सरसाइज इक्वेशन फर्स्ट में. ठीक है, क्योंकि हम ए एंगल 1 और एंगल 3 को इक्वल दिखा चुके हैं, एंगल 2 को एंगल 4 के बराबर दिखा चुके हैं, क्योंकि सी डी और जी एच ये दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं इन दो एंगल्स के. ठीक है, और दूसरी बात ये है एंगल सी जो है इट इज एंगल जी इसके बराबर. अगर इन दो ये दो ट्रायंगल्स बराबर है तब इनके जो एंगल बाइसेक्टर्स जो एंगल बाइसेक्टर्स से जो एंगल्स बनते हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे. ठीक है, ये हमने प्रूव किया है इक्वेशन फर्स्ट में, बिकॉज बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में हम ये चीज प्रूव कर चुके हैं. ठीक है, देयरफॉर बाय देखो इन दो ट्रायंगल्स में हमें क्या मिल रहा है, इन दो ट्रायंगल्स में हमें दो एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल डीसीए डीसीए इज सिमिलर टू एचजीएफ, देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल डीसीए इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, HGF. ठीक है, अब ये दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर मिल रहे हैं, तो क्या इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल. ठीक है, देखिए हमारे पास जो पहला पार्ट है दैट इज CD डिवाइड बाय GH, अब इसका CD डिवाइड बाय GH इज इक्वल टू AC divided by FG. क्या हम लिख सकते हैं, this further implies अब जबकि हमने ट्रायंगल DCA को सिमिलर दिखाया ट्रायंगल HGF के, तब इसमें जो corresponding sides हैं ratio of their corresponding sides वो भी इक्वल होगा, तो इसने कौन से साइड लिए हैं, this further implies CD इसका CD divided by GH, CD divided by GH is equal to AC divided by FG, AC divided by FG. इसका हम reason साथ में लिखेंगे, the ratio of the corresponding sides of two similar triangles are equal because ratio of the corresponding sides of two similar triangles are equal. ठीक है, तो इससे हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए, थर्ड पार्ट एंड फर्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट भी आसान है. देखो ट्रायंगल डीसीबी डीसीबी ये ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाना है एचजीई इसके सिमिलर दिखाना है. अब इन दो ट्रायंगल्स की तरफ हम नजर दौड़ाते हैं, देखते हैं इनमें हमें क्या कुछ सिमिलर में क्या कुछ इक्वल मिलने वाला है. ठीक है, इन ट्रायंगल डीसीबी डीसीबी एंड ट्रायंगल एचजीई एचजीई वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई गिवन है.
मैं इसे पहले भी कह चुका हूं, एंगल बी जो है इट इज द एंगल ऑफ एंगल ट्रायंगल एबीसी, एंड एंगल ई जो है एफ ई जी का एंगल है, ठीक है। उन दो ट्रायंगल्स, ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, इनके एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए। अब जब ये जो एंगल बी है दिस आल्सो एक्ट्स एज द एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल डीसीबी, एंड अगेन ई इज द एंगल which also belongs to HGE, तब ये angles इन में भी equal हुई, ठीक है, okay, angle B is equal to angle E, and also angle 1 is equal to angle 3, angle 1 is equal to angle 3, proved in equation first, हमने equation first में ये भी prove किया है, angle 1 is equal to angle 3, ठीक है, therefore by, अब देखो, इन दो triangle में हमें दो equal angles मिल रहे हैं, therefore by angle similarity, ठीक है, triangle DCB is similar to triangle HGE, this completes the third part of the question. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन फिगर 6.40, आपके दाएं में, पेज के दाएं में एक फिगर है जिसका इसने नंबर दिया है 6.40। इसमें क्या है, ए इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूसर, ए एक पॉइंट है, ठीक है, किस साइड पे, एसी साइड पे, ईबी साइड पे, जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलस ट्रायंगल का साइड है जिसका नाम है एबीसी, आइसोसेलस ट्रायंगल आप जानते हो, आइसोसेलस ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो इक्वल साइड्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें जो दो इक्वल साइड्स हैं विद एबी इज इक्वल टू एसी, एबी और एसी इक्वल है। अब क्या है और एक चीज, इफ एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एक एडी डाला जाता है बीसी साइड पे लेकिन एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर है, एंड ईएफ इज परपेंडिकुलर टू एसी, ईएफ जो है इट इज आल्सो परपेंडिकुलर टू एसी, ठीक है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ईसीएफ। इसको हम पहले, इस फिगर को हम यहां पे ड्रा करते हैं, फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है, इट इज एबीसी एबीसी, ये आइसोसेलस ट्रायंगल है, इसका मतलब ये हुआ कि एबी जो है इट इज इक्वल टू एसी, ये साइनस है इक्वल, ठीक है, ठीक है, अब यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है यहां पे, इट इज डी, एंड इस सीबी साइड को प्रोड्यूस किया जाता है ई तक, ठीक है, इस ई से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है इस पे, इसका नाम दिया इसने एफ, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा। देखो एबीसी एक आइसोसेलस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल का मैं बता चुका हूं कि आइसोसेलस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो इक्वल साइड्स हैं, लेकिन ये इक्वल साइड्स भी यहां क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशनड है, जो एबी जो है इट इज इक्वल टू एसी, ठीक है, यही दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, ठीक है, तो एक सीबी जो साइड है, इस ट्रायंगल का जो सीबी साइड, इसको प्रोड्यूस किया जाता है, इसको लंबा किया जाता है किस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक, यहां तक, ठीक है, और एडी परपेंडिकुलर डाला जाता है बीसी पे, और ईएफ परपेंडिकुलर डाला जाता है एसी साइड पे, ठीक है, हमें प्रूव करना है, देखो हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीडी एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ईसीएफ ईसीएफ। देखो ट्रायंगल एबीडी, ये जो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, आपने इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है किस ट्रायंगल के साथ,
ECF इस वाले ट्रायंगल के साथ। ठीक है, देखो इसका भी एक सिंपल सा प्रूफ है। देखो प्रूफ की तरफ आते हैं, हम डायरेक्ट प्रूफ में जाते हैं। इसके प्रूफ से पहले कुछ चीजें लिखी जाती हैं जिसको हम गिवन कहते हैं, ठीक है, टू प्रूव। ठीक है, अगर कुछ कंस्ट्रक्शन भी करने होते हैं वो भी हम लेते हैं, लेकिन वो चीजें जो है वो आप खुद कर लोगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, हम डायरेक्ट प्रूफ की तरफ जाते हैं। देखो वी हैव ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन, ए बी इज इक्वल टू ए सी। एक ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, ओके। तब इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, क्योंकि एक थ्योरम पढ़ी है 9th क्लास में, द अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, देखो अगर ए बी साइड ए सी के बराबर है, तब ए बी का, ए बी साइड का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी। एम्पलाइज एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू, अब देखो साइड ए सी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल बी, एंगल बी। ठीक है, और क्या हम लिख सकते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, इसका हम रीजन देंगे, क्या रीजन देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स और इक्वल। ठीक है, ओके। अब देखो एंगल बी जो है इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये जो एंगल बी है और एंगल सी है, इसका हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, एंगल बी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इनको हम चेंज करेंगे। ठीक है, इनका जो वैल्यू है, वैल्यू तो सेम रहेगा, लेकिन इनका हम नाम चेंज करते हैं। ये जो एंगल बी है और एंगल बी को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी। ठीक है, इज इक्वल, देखो एंगल सी जो है, एंगल सी ये वाला एंगल, इसके बहुत सारे नाम होंगे क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स है इस रे पे। ठीक है, इस एंगल सी जो है इसको हम नाम दे सकते हैं डी सी एफ बी, डी सी ए बी इसका नाम होगा, ए सी एफ बी होगा, सॉरी बी सी एफ बी होगा, बी सी ए बी होगा, ई सी ए, ई सी एफ, बहुत सारे नाम है इस ट्रायंगल के, सेम है, कोई फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसके मेजर पे। ठीक है, इसको मैं ई सी एफ का नाम देता हूं। ठीक है, एंगल सी जो है, एंगल सी इसको मैं लिखता हूं एंगल ई सी एफ। ठीक है, एंगल ई सी एफ, क्यों मैं एंगल ई सी एफ इसका नाम देता हूं, क्योंकि हमें जो जिन ट्रायंगल्स पे काम करना है वो है ए बी डी और ई सी एफ, ए बी डी और ई सी एफ। नाउ नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, ये जो ए बी डी है, ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी, ई सी एफ एंड ट्रायंगल ई सी एफ, देखो वी है, देखो इनमें क्या है। ठीक है, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ प्रूव्ड अबव, ये हमने ऊपर देखा है। ठीक है, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी एफ, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ऑल्सो दूसरी बात ये जो एंगल ए डी बी, ठीक है, ए डी बी इट इज इक्वल टू ई एफ सी, ऑल्सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ई एफ सी,
ईच 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि एडी जो है इट इज परपेंडिकुलर ऑन बीसी एंड ईएफ जो है इट इज परपेंडिकुलर ऑन एसी। तब जो ये दो एंगल्स हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री के बराबर होंगे, ठीक है, ओके। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, देखो इन दो ट्रायंगल्स में हमें दो एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक सिमिलैरिटी क्राइटेरियन है जिसको हम एंगल एंगल सिमिलैरिटी कहते हैं। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। ई सी एफ ये तो प्रूव करना था इस 11th क्वेश्चन में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। सी फिगर 6.41 शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। देखो दो ट्रायंगल्स हैं, इनमें कुछ गिवन कंडीशंस हैं, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे पहले मुझे ड्रा करने दो, इट इज ए बी सी एंड हियर इट इज पी क्यू आर, ठीक है, और मीडियंस हैं, यहां पे मीडियन है ए डी, ठीक है, और वहां पे पी एम मीडियन है, पी एम मीडियन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, ये जो साइड्स है ना ए बी, दो साइड्स ए बी डिवाइड बाय पी क्यू। देखो कंडीशन क्या है, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए सी, सॉरी इट इज बी सी, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी एम, ठीक है, यही इसका कहना है। ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ए बी बी सी एंड मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इस ट्रायंगल के और प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल होंगे, ए पी क्यू पी आर सॉरी क्यू आर एंड पी एम रेस्पेक्टिव मीडियन, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है, ठीक है, ये वाला कंडीशन। अब ए ट्रायंगल पी क्यू आर शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर। देखो हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये जो दो साइड और एक मीडियन प्रोपोर्शनल है दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और मीडियन के, ठीक है, दिस वन ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी, ए डी डिवाइड बाय पी एम, यहाँ पे पी एम है, ठीक है। आपको ये दिखाना है कि ये जो ट्रायंगल ए बी सी है इट मस्ट बी सिमिलर टू पी क्यू आर बाय टेकिंग इट टू द कंसिडरेशन ऑफ दिस गिवन कंडीशन, ठीक है। चलिए प्रूफ की तरफ आते हैं। देखो गिवन दैट ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी एम, ये गिवन है, ठीक है। मैं इसको और इसको छोड़ के जो बीच वाला रेशियो है इसमें मैं ऐसी चेंजेस कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि इस पे कोई असर नहीं होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं मैथमेटिक्स में, ठीक है। Implies, क्या मैं लिख सकता हूं ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू वन हाफ ऑफ बी सी डिवाइड बाई वन हाफ ऑफ क्यू आर, ठीक है, फिर से कैंसिल करो, कभी रिजल्ट आएगा,
ठीक है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन ये चीजें हमें आगे जाकर बहुत काम आएंगी। ठीक है, इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। ओके, देखो आप एम्पलाइज, देखो ये जो ए डी है इट इज द मीडियन विच इज ड्रॉन ऑन द साइड बी सी, देयर फोर दिस मीडियन, मीडियन का काम क्या होता है, मीडियन का काम यह होता है कि जिस साइड पे मीडियन डाला जाता है ठीक है उस साइड के दो इक्वल हिस्से हो जाते हैं, दैट साइड इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। देखो ये मीडियन जो है ए डी, ये किस पे पड़ा हमने, बी सी पे, इसका मतलब ये हुआ ये जो बी डी और डी सी ये इक्वल होंगे, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूं, बी डी इज इक्वल टू डी सी। ठीक है, इसी तरीके से जो पी एम जो है इट इज ऑल्सो मीडियम विच इज ड्रॉन ऑन द साइड क्यू आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर, देयरफॉर इट मस्ट डिवाइड द साइड क्यू आर इन टू इक्वल पार्ट्स क्यू एम एंड एम आर, ये और ये साइड दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा अगर बी डी, इफ बी डी इज इक्वल टू डी सी, चलिए बी डी इज इक्वल टू डी सी, अब बताओ इन बी डी और डी सी इनकी जो रिलेशन होगी बी सी साइड के साथ वो क्या होगी, वो होगी दे मस्ट बी इक्वल टू वन हाफ ऑफ बी सी, ये इसके हाफ के बराबर होंगे, बी डी जो है बी डी इट मस्ट बी वन हाफ ऑफ बी सी, ये बी सी के नसब के बराबर होगा, इसी तरीके से डी सी, डी सी भी बी सी के नसब का होगा, इसी तरीके से क्यू एम और एम आर ये भी वन हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर होंगे। ठीक है, देखो वही मैंने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, एम्पलाइज ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल, देखो वन हाफ ऑफ बी सी, बी सी का हाफ, मैं यहाँ पे बी सी का हाफ लिखता हूं। ठीक है, बी सी का हाफ बी डी भी है डी सी भी है, ठीक है मैं बी डी को लेता हूं। ठीक है, बी डी डिवाइड बाई क्यू आर का हाफ जो है, क्यू आर का हाफ इट इज क्यू एम एंड एम आर, ये भी है वो भी है। ठीक है, मैं क्यू एम लिखता हूं, क्यू एम, क्यू एम का इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये जो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम, ठीक है जो फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम इन दो ट्रेंगल्स में इस्तेमाल करके देखते हैं कि वहां हमें क्या रिजल्ट निकल आएगा। ठीक है, ए बी डी और पी क्यू एम ये जो दो ट्रेंगल्स हैं, ठीक है चलिए इस रिलेशन को, इस जो रिलेशन हमें इक्वेशन फर्स्ट की तो फर्स्ट के तौर मिली है इसको हम कोरिलेट करें इन दो ट्रायंगल्स के साथ। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल्स किस कौन कौन सा ट्रायंगल, ए नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, पी क्यू एम वी हैव, देखो हमें क्या मिल रहा है इन दो ट्रायंगल्स में, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। ठीक है, प्रूव्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, ये हम इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, देखो क्या है, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाई पी एम। ठीक है, हमें इन दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो हमें इक्वल मिल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्राइटेरियन है सिमिलरिटी का, साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, तो हम वही साइड 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 सिमिलरिटी का क्राइटेरिया हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, देयरफॉर बाय साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक है, ट्रायंगल, अब देखो ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम। ठीक है, बाय साइड 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 सिमिलरिटी, तो इससे क्या मिलेगा हमें, देखो इससे हमें और एक चीज
मिलने वाली है. दिस फर्दर इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. क्यों एंगल बी क्यों एंगल क्यू के बराबर होगा? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल. जो जो ए बी डी है और पी क्यू एम है, ये हमें दो सिमिलर ट्रायंगल्स मिले, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसमें क्या है? दैट इज क्यू. सो बी मस्ट बी इक्वल टू क्यू. ठीक है, देखो इसको हम इक्वेशन सेकंड का नाम देते हैं. ठीक है, अब आ जाओ हमारे जो ऑरिजिनल ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर पे. ठीक है, अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो हमारे पास क्या है? वी है. वी है ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी इज बी सी डिवाइड बाय क्यू आर. ठीक है, इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी एम. ठीक है, ये तो गिवन है, लेकिन इस गिवन कंडीशन में हम सिर्फ दो चीजें लेते हैं. ठीक है, वी हैव ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बी सी डिवाइड बाय क्यू आर. बस हम ये दो चीज लेते हैं. ठीक है, ठीक है, ए डी डिवाइड, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, ये तो गिवन है, गिवन कंडीशन. ठीक है, ऑल्सो देखो, ऑल्सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय इक्वेशन फर्स्ट सेकंड. इक्वेशन सेकंड में हम प्रूव कर चुके हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू. एंगल बी जो है हमें ये एंगल क्यू के बराबर मिल रहा है. ठीक है, ठीक है, देखो इन दो रिलेशंस को आपस में जोड़ के हमें क्या मिल रहा है. अब देख लो उसकी तरफ, देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू, ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर. हमें ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल में दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम मिल रहा है. ठीक है, दूसरी बात इन दो साइड्स के बीच वाला जो एंगल है, ठीक है, इस साइड और इस साइड का बीच वाला एंगल दैट इज बी, और इस साइड का बीच वाला एंगल दैट इज क्यू, वो भी इक्वल मिल रहे हैं. ठीक है, देयर फोर बाय साइड एंगल साइड सिमिलर, हमारे पास एक क्राइटेरियन है इसके लिए, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी. ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर. ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर 12th क्वेश्चन. ठीक है.